ऐसे गाइस ये होना नहीं चाहिए था, टोनी स्टार्क ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। टोनी स्टार्क को मैंने उसके आयरन मैन के सूट दिए थे जो कि मेरे पास पड़े हुए थे, और टोनी ने क्या किया, वो सारे सूट टोनी ने बेच दिए। अब मैं क्या करने वाला हूँ ना, जितने भी सूट टोनी स्टार्क ने बेचे आयरन मैन के, वो सूट मैं दोबारा से कलेक्ट करूंगा, और मैं नहीं बताने वाला टोनी को क्या वो आयरन मैन के सूट मेरे पास दोबारा से आ चुके हैं। गाइस इस दफा ना टोनी ने तो मेरे को उल्लू बनाया ही ना, इस दफा मैं उल्लू नहीं बनने वाला। और आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं यहाँ पर क्यों आ रहा हूँ, तो वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर पहला सूट है आयरन मैन का जो कि टोनी स्टार्क ने बेचा है। अब इस सूट को मुझे किसी भी तरह करके कलेक्ट करना होगा। गाइस ये सूट काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थे और मेरे फेवरेट भी। ओके भाग कर तो मैं मैज बैंक के पास आ चुका हूँ। ये क्या देख रहा हूँ, सामने की तरफ रुकना होगा। ओके बिल्कुल सही लोकेशन मिली मुझे, आयरन मैन का पहला सूट तो मुझे मिल चुका है जो कि सामने की तरफ है। मुझे लगता है ना ये लोग आयरन मैन का सूट दे रहे हैं, तो पहले मुझे इन लोगों से बात करनी होगी। गाइस जितने मर्जी पैसे हो जाए ना, ये मार्क 85 सूट है आयरन मैन का, ये तो मैं लेकर ही रहूंगा। देखो ये आयरन मैन का मार्क 85 सूट मुझे चाहिए। देखो तुम लोग जितने मर्जी पैसे बोलोगे मैं तुम लोगों को देने के लिए तैयार हूँ, पर ये सूट मुझे ही चाहिए। देखो ये सूट तो हम तुम्हें ऐसे नहीं दे सकते, अगर तुम्हें ये मार्क 85 सूट चाहिए आयरन मैन का तो तुम्हें उसके लिए रिंग फाइट चैलेंज खेलना होगा, और वो रिंग फाइट चैलेंज काफी खतरनाक किस्म के राक्षस के साथ होगा तुम्हारा। अगर तुम वो रिंग फाइट चैलेंज जीत जाते हो तो तभी तुम्हें मिल पाएगा ये आयरन मैन का मार्क 85 सूट। याद रखना वो रिंग फाइट चैलेंज जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ओके अगर ऐसी बात है तो ठीक है, ये चैलेंज मैं खेलूंगा और ये सूट मैं ही जीत के बताऊंगा। मैं भी तो देखूं कि कौन सा राक्षस है जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है। तो इसके लिए मुझे लगता है ना ये एलिवेटर पड़ा हुआ है। गाइस मुझे इस एलिवेटर के अंदर जाना होगा और ये एलिवेटर मुझे मैच बैंक के टावर पर पहुंचा देगा जहाँ पर वो रिंग फाइट चैलेंज हो रहा है। ओके तो मैं इस एलिवेटर के अंदर तो आ चुका हूँ। फाइनली इस एलिवेटर ने मुझे पहुंचा दिया इस रिंग फाइट चैलेंज के अंदर। ये क्या देख रहा हूँ, ये नहीं के मेरा चैलेंज इसके साथ हो रहा है। ओके ये तो कार्निज है, अभी कार्निज का मुकाबला मैं कैसे कर पाऊंगा। एक मिनट, इसे ऐसे महसूस नहीं होने देना गाइस कि हम लोग इससे डर रहे हैं, बस इसे ऐसा लगना चाहिए कि हम लोग पावरफुल है, इसका तो दजिया उड़ा कर रख देंगे। कार्निज अब तू बचेगा नहीं, तू मेरे हथे चढ़ा है। अरे ये क्या बेवकूफ है, एक आम इंसान मुझसे मुकाबला करेगा तो मुझसे नहीं जीत सकता, जो कुछ मर्जी कर ले आज तो मजे आ जाए। एक राक्षस का एक आम इंसान के साथ चैलेंज होगा, ये सारे मीडिया वाले और सारे लोगों के सामने कार्निज तुझे कैसे मारेगा देखना। अच्छा तो ऐसी बात है, फिर आ जा देखते हैं कौन है पावरफुल। गाइस ये क्या देख रहा हूँ, ये तो मेरे को मार रहा है। अबे रुक तो सही, देखना हम दोनों ना मामले को यहीं पर सुलझा देते हैं। देख मुझे मार्क 85 सूट चाहिए आयरन मैन का। अरे वो सूट तो मुझे भी चाहिए, इसलिए तो मैं ये चैलेंज खेलने के लिए आया हूँ। तुम्हें पता नहीं है शहर के अंदर बहुत सारे आयरन मैन के सूट बिक रहे हैं, लेकिन मार्क 85 मेरा फेवरेट सूट है। मुझे लगता है ना गाइस ये ऐसे मानेगा नहीं, तो फिर खा घूसे लाते। ऐसे ही सही कहते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तेरा तो हाल मुझे टाइट करना ही पड़ेगा। क्या इस जोरदार पंच दिए जा रहा हो, ये लेखा। अबे लेकिन इसे कुछ हो ही नहीं रहा, अबे क्या कर रहा है, ये ले फिर खा लात। अबे गाइस मजा आ गया, अरे ये तो मेरे को मार रहा है, जैसे मैं इसे मारता हूँ ये रिटर्न में काफी जोरदार पंच दे रहा है मुझे। ये मर क्यों नहीं रहा, इतने जोर जोर से पंच मार रहा हूँ मैं इसे, इसे कुछ हो क्यों नहीं पा रहा। अबे मर जा तू। ओके ओके ये लेखा मुझे लगता है ना अब ये थोड़ा सा कमजोर हुआ है कार्निज। अरे कमजोर ये ले, तू मुझे मार नहीं पाएगा, देखा ना कैसे मैंने कवर लिया। अच्छा कवर लिया, ये ले कहा, फिर ये ले जोरदार पंच और ये फाइनल पंच। ओके गाइस ये तो गिर चुका है। मजा आया कार्निज तुझे, क्या अब समझ लगी ना ये है फ्रैंकलिन की पावर। ओह गाइस फाइनली इसे मैंने मार डाला, अब लोगों के सामने थोड़ा सा एक्शन तो मुझे दिखाना ही पड़ेगा। देखा ना तुम लोगों ने कैसे कैसे मैंने मारा इस कार्निज को, ये देखिए ये मेरी पावर है, मुझसे कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। ओके लगता है ना बहुत हो चुका, मुझे जाना पड़ेगा नीचे और मार्क 85 सूट लेना पड़ेगा, तो चलते हैं यहाँ से। अब तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, वाकई मेरे अंदर काफी पावर आ चुकी है। अब तो टोनी स्टार तेरे ये बिके हुए सूट मैं दोबारा से बाय करूंगा। अब ना ही टोनी को पता चलेगा कि मेरे पास दोबारा से आयरन मैन के सूट आ चुके हैं, और ना ही उसे कोई बताएगा। ओके मैं नीचे पहुंच चुका हूँ, यहाँ पर चलता हूँ। अरे देखा ना तुम लोगों ने, मैंने कार्निज को मार डाला है और वो चैलेंज मैं जीत चुका हूँ। मुझे लगता है ना अब ये आयरन मैन का मार्क 85 सूट मुझे पहनना ही होगा। तो गाइस ये सूट रहा, लगता है देरी नहीं करनी चाहिए, तो पहन लेते हैं इसे। 3 2 1 एंड गो।
ओके गाइस, इस सूट को तो मैंने पहन लिया है। ओके, अब जल्दी से यहाँ से जाना होगा। थैंक यू सो मच जो तुम लोगों ने ये चैलेंज अनाउंस किया और मुझे ये सूट मिल पाया है। गाइस यहाँ से फ्लाई करते हैं। ओके, क्या ये मजेदार फ्लाई कर रहा हो, मुझे जाना होगा, मजा ही आ गया। ओके गाइस, यहाँ से भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। क्या किया जाए, अब नेक्स्ट सूट मुझे कैसे मिलेगा? अरे आयरन मैन ने अपना नेक्स्ट सूट तो मिलिट्री वालों को सेल किया था, मुझे मिलिट्री वालों को ढूंढना होगा। ओके, भाग कर चलता हूँ। ये देखो ना अपनी किस्मत कितनी ज्यादा अच्छी है। अरे मैं तो इस साइड पर भाग कर आ रहा था, सामने की तरफ ये मिलिट्री वाले खड़े हैं। पर ये कर्नल काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहा है, मुझे इसके पास जाना होगा। अरे मिलिट्री कर्नल साहब, क्या हो गया, काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हो? मुझे लगता है जरूर कोई गड़बड़ है या फिर लॉस सैंटोस के अंदर कोई टेंशन है। देखो आयरन मैन हाजिर है, तुम लोगों की एकदम मदद करेगा। अरे वाह, हम लोग तो ऊपर वाले से मदद मांग रहे थे, उसने खुद ही मसीहा भेज दिया। देखो आयरन मैन, हम तुम्हें बताना चाहते हैं, हमारे सारे सोल्जर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ अबोमिनेशन की। अबोमिनेशन हमारे मिलिट्री बेस से यूरेनियम चुरा कर भागा है और वो उस यूरेनियम से बहुत बड़ा बम बनाने वाला है। अगर वो यूरेनियम किसी के भी हाथ में लगा और उससे एटम बम अगर फट गया लॉस सैंटोस के अंदर, तो चारों तरफ तबाही हो जाएगी। तो मैं किसी भी तरह करके अबोमिनेशन को वापस लाना होगा और हम लोगों को उससे यूरेनियम वापस लेना होगा, क्योंकि वो यूरेनियम उसकी बॉडी के अंदर ही है। देखो आयरन मैन, तुम हमारी मदद कर सकते हो। अगर तुम हमारी मदद करोगे तो मेरे पास आयरन मैन का एक सूट है जो मैं तुम्हें दे दूंगा वापस। देखो हमने तो वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव बाय किया है, लेकिन तुम्हारी मदद करने के बाद वो सूट तुम्हें ही वापस मिलेगा। तो अगर तुम डील डन करते हो, तुम अबोमिनेशन को लाओ और आयरन मैन का सूट ले जाओ। मुझे लगता है ये डील तुम्हें मंजूर ही होगी, इनकार नहीं करोगे तुम। अरे मिलिट्री सर, कैसी बातें कर रहे हैं, डील तो एकदम पक्की है। ठीक है, फिर आप सूट को ना यहाँ पर लेकर आओ, मैं जाता हूँ उस अबोमिनेशन को ढूंढ कर लाता हूँ। उसकी ऐसी की तैसी बड़ा यूरेनियम चुरा कर जा रहा है, मुझे यहाँ से फ्लाई करना होगा। भागते हैं। एक मिनट, आयरन मैन के सूट के अंदर एक पावर है जिससे मैं पता कर सकता हूँ कि कहाँ पर अबोमिनेशन। ओके, मैं इस साइड पर खड़ा हूँ। ये क्या, रेड डॉट तो इसी साइड पर ब्लिंक कर रहा है, मुझे लगता है ना इसी साइड पर ये वो। तो मुझे ज्यादा होगा, फ्लाई करते हैं और पहुँचते हैं। ओके, बिल्कुल एग्जैक्ट सही बताया इस सूट ने, अबोमिनेशन तो इस छत पर ही है। अरे अबोमिनेशन तेरी ऐसी की तैसी, तू यूरेनियम चुरा कर भागा है ना, देख इज्जत से वो यूरेनियम मुझे दे दे, क्योंकि वो यूरेनियम मैंने वापस मिलिट्री वालों को देना है। अरे बेवकूफ, तुम क्या, तुम्हें पता नहीं है तुम किसका मुकाबला कर रहे हो और किसके सामने आकर ये बात कर रहे हो? वो यूरेनियम मेरी बॉडी के अंदर ही है, अगर तुमने मुझे मारा या फिर यहाँ से कुछ करने की कोशिश की तो यूरेनियम फट जाएगा और वो यूरेनियम के केमिकल इस हवा में ब्लास्ट हो जाएंगे और सारे लोग मारे जाएंगे। तुम्हें पता नहीं है मैं कितना ही ज्यादा खतरनाक बन चुका हूँ। अच्छा, तो ऐसी बात है, इसे पता नहीं है मैं इसे मारूंगा नहीं, इसे तो यहाँ पर बेहोश करके लेके जाऊंगा। ये क्या गाइस, ये तो मेरे को मार रहा है काफी बुरे तरीके से। गाइस यहाँ से जाना होगा। ओके, जंप की और यहाँ से भागा मैं। यहाँ पर आना, ये सामने की तरफ रहा। गाइस मेरे पास स्लो मोशन पावर है तो मैं इसे मार सकता हूँ। ये स्लो मोशन पावर की और ये पंच मारा, काफी ज्यादा जोर से लगा। मजा आया तुझे अबोमिनेशन? इतनी आसानी से तो मैं नहीं मरने वाला आयरन मैन, जो कुछ तुम मर्जी कर ले, याद रखी अगर मैं फटा ना तो पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा। अबे तू फटेगा, मुझे डरा रहा है। गाइस मैं सिर्फ और सिर्फ इसके फेस पर पंच मार रहा हूँ ताकि ये बेहोश हो जाए। ओके, जोरदार लगे, कहाँ पर गया? ये सामने की तरफ ही है। अरे पीठ पीछे वार करता है, ये ले फिर खास जोरदार पंच और ये ले कोर पंच। ओके फिर से आया और ये पंच मारा। गाइस मुझे लगता है अब ये बेहोश हो चुका है, ये सामने की तरफ ही पड़ा हुआ है। अरे मजा आया क्या तुझे? गाइस ये लेजर से मैंने जलाया और ये बेहोश हो चुका है, जल के कोयला बन चुका है। अब इसकी मुंडी से पकड़ना होगा और लेकर जाना होगा सीधा मिलिट्री कर्नल के पास। ओके, इसकी मुंडी से पकड़ा और मुझे यहाँ से फ्लाई करना होगा। अब आयरन मैन का नेक्स्ट सूट तो मुझे मिल ही जाएगा। यहाँ पर पहुंच चुके हैं, ये रहा मिलिट्री कर्नल। अरे ये रहा अबोमिनेशन। अरे इसी की बात कर रहे थे ना, अब जितना यूरेनियम इसने पिया है ना निकाल सकते हैं इसके ब्लड से। वैसे भी ये बेहोश हो चुका है या फिर आई थिंक मर चुका है ये। बहुत अच्छे, मुझे लग ही रहा था तुम हमारी मदद जरूर करोगे। देखो वादे के मुताबिक तुम अबोमिनेशन को लेकर आए हो और मिलिट्री कर्नल भी अपना वादा पूरा करता है। आयरन मैन तुम पीछे देख सकते हो, तुम्हारा यूनिक सूट है पीछे। अरे गाइस देखता हूँ क्या ये वही सूट है। ओके ये रहा वो सूट। गाइस मुझे ये सूट भी मिल चुका है, थैंक यू सो मच मिलिट्री कर्नल। गाइस अब मुझे देरी नहीं करनी चाहिए, इस सूट को मुझे जल्दी से पहनना होगा, तो पहन लेते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। ओके गाइस ये सूट तो मेरे पहन लिया है, अब मेरे को यहाँ से जाना होगा। तो गाइस फ्लाई करते हैं, क्या ही स्पीड से मैं फ्लाई कर पा रहा हूँ। ओके रुकना होगा और यहाँ से भागते हैं। गाइस अब मुझे लास्ट तीसरा सूट कहाँ से मिलेगा जो कि आयरन मैन का पावरफुल सूट है। ओके देखता हूँ, यहाँ से जाना होगा। ये क्या देख रहा हूँ ऊपर आसमान में, ऐसा क्यों लग रहा है कि मैगरहैम चैलेंज रखा गया है? बाकी में कोई चैलेंज होने वाला है, मुझे इस चैलेंज पर पहुंचना होगा। फ्लाई करके सीधा पहुंचते हैं। ओके फ्लाई करना
होगा मुझे। गाइस जा रहा हूँ, ये चैलेंज तो काफी ज्यादा ऊपर रखा गया है, मुझे यहाँ से मुड़ना होगा। मुझे लगता है ना पहले तो स्टार्ट पॉइंट वही है सामने की तरफ। ओके खुद को लैंड करवाता हूँ मैं। ओके लैंड हो चुके हैं, यहाँ पर ये गैंग वाले खड़े हैं। मुझे लगता है ना ये चैलेंज इन लोगों ने अनाउंस करवाया है, तो मुझे पूछना होगा कि जीतने पर क्या मिलने वाला है। देखो मैं इस चैलेंज को खेलना चाहता हूँ और मुझे जानने हैं इस चैलेंज के रूल, और जीतने पर क्या इनाम मिलने वाला वो भी जानना है। देखो ये है मगर एंड स्टंट चैलेंज, अगर तुम इस चैलेंज को जीत जाते हो तो तुम्हें मिलेगा आयरन मैन का पावरफुल सूट द राइज ऑफ ईस्ट। अगर इस सूट को दुनिया का सबसे पावरफुल सूट भी कहा जाए तो ये कम नहीं होगा। मुझे लगता है अगर ये तुम चैलेंज जीत जाते हो तो तुम्हें मिलेगा ये सूट। हारने पर याद रखना हमारे हाथों से सिर्फ मौत ही मिलेगी या फिर तुम्हें $50 million चुकाने होंगे, क्योंकि ये सूट मैंने $50 million का लिया है टोनी स्टार्क से और मुझे काफी ज्यादा मजा आता है चैलेंज कराने में। तो लगता है टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तुम्हें इस चैलेंज को स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके ठीक है, मैं इस चैलेंज को खेलने के लिए तैयार हूँ। गाइस मुझे जाना होगा यहाँ से, तो एक गाड़ी चूज करनी होगी मुझे, कौन सी चूज करूँ। ओके ये येलो वाली कार चूज कर देते हैं, जल्दी से इसमें बैठ जाता हूँ। गाइस आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में आयरन मैन ओपी लिखो, यहाँ से तो मैंने भगाई। ओके यहाँ पर इन्हें गिरा दिया, आगे की तरफ जाना होगा। ये बूस्टर लगे हुए हैं, बूस्ट हुई अपनी गाड़ी और गाड़ी हवा के अंदर। थैंक गॉड ये विंड फैन थे, इनसे बचा मैं। यहाँ से जाना होगा आगे की तरफ, ये क्या देख रहा हूँ, ये खतरनाक रास्ता बना हुआ है, मुझे ना इस वाले रास्ते पर जाना होगा। ओके यहाँ से भी गया, गाड़ी गिरते गिरते बची मेरी, यहाँ से भी पार करना होगा। ओके कर लिया, आगे की तरफ मुझे लगता है रैम करनी होगी, 1 2 3 एंड गो, रैम की और सीधा मैं इस ट्यूब के अंदर घुस चुका हूँ। क्या एक खतरनाक रैम की है गाइस। ओके यहाँ से फुटबॉल गिराया मैंने, अरे ओके इस वाले ना ट्यूब के अंदर मुझे घुसना होगा। यहाँ पर ये क्या टेढ़ी करके रोड रखी गई है, अरे एड़ी तिरछी रोड, अरे इनके ऊपर मुझे लैंड करवाना है गाड़ी को। ओके गई और गाड़ी सीधा मैंने लैंड करवाई, फाइनली गिरते गिरते बच गई, मैंने कंट्रोल कर लिया गाड़ी को। अब मुझे जाना होगा यहाँ से तेजी से और दूसरी वाली रोड के ऊपर कर ली मैंने इस गाड़ी को, तेजी से भगाना होगा सामने की तरफ। ये क्या दिख रहा हूँ, ये टायर, इन टायर के ऊपर लेकर जाना होगा मुझे। ओके पहला टायर तो मैंने पार कर लिया, अब ये दूसरा टायर है गाइस, इसके ऊपर भी गाड़ी कर ली, गाड़ी को सीधा करना होगा। ये तीसरा टायर, अबे इसके ऊपर भी मुझे करना होगा। फाइनली गाइस यहाँ से रैंप की और तेजी से मैं इस रोड पर पहुंच चुका हूँ, अरे कर दिखाया मैंने, मुझे लग रहा था मैं नहीं कर पाऊंगा। ओके यहाँ इस रोड से भगाना होगा, अब काफी मुश्किल रास्ता है, मुझे यहाँ से भगानी होगी गाड़ी। दूसरी रोड पर मैं पहुंच चुका हूँ, यहाँ से भी सीधा करना होगा गाड़ी को। ओके यहाँ से भी भगाना होगा और ये तीसरी रोड पर पहुंच चुके हम लोग, क्या खतरनाक लैंड करवाई। और इसके बाद ये चौथी रोड, ओके यहाँ से भी पहुंच चुका हूँ, अब सीधा ये क्या, ओके मुझे आगे की तरफ जाना होगा ये हवा के अंदर, और ब्रेक मारनी होगी। ओके थैंक गॉड स्टॉपर लगे हुए थे, गाड़ी रुक गई, अब आगे उतरना होगा। मुझे लगता है ना इन बाइक के ऊपर बैठकर जाना है मुझे, कौन सी चूज करता हूँ, ये व्हाइट वाली चूज कर लेता हूँ, ये काफी ज्यादा यूनिक नजर आ रही है। मुझे इस बाइक को भगाना होगा अब तेजी से, आगे की तरफ तो रोड बड़ी नजर आ रही है, कहीं पर खाली ना हो आगे, ये क्या खाली है, मुझे यहाँ मुड़ना होगा। ओके गाइस मैं यहाँ पर मुड़ चुका हूँ और यहाँ से तेजी से जाना होगा आगे, ये क्या देख रहा हूँ, अरे बाइक गई और हवा के अंदर सीधा छत पर लैंड करवाई। फाइनली बाइक को तो कंट्रोल कर ही रहा हूँ मैं, यहाँ से जाना होगा, ये आगे की तरफ पतला सा रास्ता है, इन फुटबॉल को हटाना होगा पहले। ओके हटा रहा हूँ फाइनली ये पतला सा रास्ता, मुझे इसके ऊपर बाइक को करना होगा। ओके यहाँ से मोड़ रहा हूँ और मुझे यहाँ से जाना होगा। ओके इस बस के अंदर एंट्री मार ली मैंने, क्या खतरनाक तरीके से एंट्री की है, और यहाँ से मुड़ना होगा मुझे। ओके गाइस बूढ़े और यहाँ से फिर से मुझे जाना होगा, इस वाले रास्ते से गया और नेक्स्ट बस के अंदर एंट्री मार ली मैंने, यहाँ से भी जाना होगा, फिर से पतला सा रास्ता है और सामने की तरफ लैंड करवाते हैं खुद को। ओके ब्रेक मारी और ये स्लाइड आ रही है, इस स्लाइड के ऊपर बाइक करनी होगी, बाइक कर ली, ये मुझे लेकर जा स्लाइड। ओके स्लाइड यहाँ से की ऊपर की तरफ, ओके गिरते गिरते बच्चे बूझ दबाया मैंने, सामने की तरफ नेक्स्ट स्लाइड है, इसके ऊपर भी बाइक कर ली और तेजी से जाना होगा, यहाँ से रैंप करनी होगी, रैंप की और मैंने ओके यहाँ पर पहुंच चुका हूँ। गाइस यहाँ से मुड़ना होगा और ये देख रहे हो गोल गोल गुलाटी घूम रही है, मुझे इससे बचना होगा। ओके यहाँ से बचे और यहाँ से चलते हैं गाइस, ये सामने की तरफ मिसाइल है गाइस, मुझे इसके ऊपर करना होगा बाइक को। ओके कर दिखाया, फाइनली कर दिखाया मैंने, इस मिसाइल को भी पार कर दिया, ये सामने की तरफ वुडन ब्लॉक घूम रहा है, अरे इतनी जल्दी गिरा नहीं सकता मुझे तो। यहाँ से भी एंट्री मारी और गाइस दूसरे वाले मिसाइल के ऊपर, यहाँ से चलते हैं, ये क्या देख रहा हूँ आगे, तो ये ट्रेन की गाइस बॉक्सेस रखे
रखे गए हैं। इन ट्रेन के बॉक्सेस के ऊपर मुझे करना होगा। ओके पहले बॉक्स का तो पार कर लिया मैंने, ये दूसरा बॉक्स आ चुका है। यहाँ पर भी लगा हुआ है वुडन ब्लॉक, मुझे इसे भी पार करना होगा। ओके गाइस इसे भी पार कर लिया मैंने, काफी खतरनाक तरीके से जा रहा हूँ। अब मुझे यहाँ से मुड़ना होगा। ये क्या स्टार्ट एंड फिनिश पॉइंट को ही उल्टा करके रखा गया है, कितना ज्यादा बड़ा चैलेंज बनाया है। ये खत्म कहाँ पर हो रहा है, मुझे तो किसी तरह करके खत्म करना ही होगा। ओके मुड़ रहा हूँ यहाँ से, बिल्कुल आराम से जाना होगा, कहीं भी हम लोग गिर सकते हैं। फाइनली पार कर रहा हूँ मैं, कर रहा हूँ, और गाइस एक ही रह चुका है। ओके स्टार्ट एंड फिनिश पॉइंट इसे भी पार कर लिया मेरे। आगे ये क्या लकड़ियों का पुल टाइप बनाया गया है, इस लकड़ियों के पुल से ही मुझे जाना होगा। ये फुटबॉल गिरा दिया और आगे जाना होगा, ये भी गिराया, मुझे यहाँ से जाना है। ओके पतला सा रास्ता, अब यहाँ से गोल घुमानी है बाइक और सामने ना उस बोतल के अंदर एंट्री मारनी है, क्या हम लोग कर पाएंगे। ओके घुमाई और सामने बोतल के अंदर इंटर हो चुका हूँ मैं, ये होता है ना प्रो। गाइस मैं कितना ही ज्यादा प्रो हो चुका हूँ ये रैंप वगैरह कर करके। यहाँ से भी रैंप की और नेक्स्ट बोतल के अंदर घुसे, यहाँ से तेजी से जाना होगा गाइस, क्या स्पीड से गया हूँ मैं। ओके ये पार किया, आगे की तरफ ये लगे हुए हैं गाइस, ये भी मुझे गिरा सकते थे लेकिन मैंने कर दिखाया गिरा नहीं मैं। ओके नेक्स्ट के ऊपर पहुंच चुके हैं, आगे फुटबॉल रखे गए, इन फुटबॉल को गिराना होगा। फाइनली मुझे फिनिश पॉइंट नजर आ ही चुका है जो सामने की तरफ ही है, मैं जल्दी से ना इस चैलेंज को कंप्लीट कर लूंगा। ओके यहाँ पर पहुंच चुका हूँ, अब लगता है ना बाइक को तेजी से गोल गोल घुमाना होगा, यहाँ से तेजी से गाइस बाइक भगाई और ओके यहाँ पर पहुंच चुका हूँ। ओके फुटबॉल गिराए और सामने की तरफ रैंप है, मुझे रैंप करनी होगी, तो आप लोग रेडियो ना मेरे साथ गाइस। सीधा हम लोगों ने लैंड करवाया फिनिश पॉइंट पर, और ये रहा गाइस वो सूट। ओके फाइनली ये सूट मुझे मिल चुका है, इसी की तो बात कर रहा था मैं, अब ये तीनों सूट मुझे मिल चुके हैं। जल्दी से उतरता हूँ और इस सूट को पहन लेता हूँ मैं, और रेडियो गाइस आप लोग मेरे साथ ना 3-2-1 एंड गो, इस सूट को पहन लिया मैंने। फाइनली गाइस अब मुझे जाना होगा, क्या ये खतरनाक सूट है ये, क्या ही ओपी फ्लाई कर पा रहा हूँ मैं। सीधा पहुंचते अपने घर के अंदर और तीनों के तीनों सूट जो कलेक्ट किए हैं गाइस मुझे इन्हें कंबाइन करके रखना होगा एक ही जगह पर गाइस, मैं इकट्ठा करके रखूंगा। ओके पहुंच चुका हूँ। ओके यही तीनों सूट थे जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ये तीनों सूट तो मैंने कलेक्ट कर ही लिए। ऐसे गाइस काफी मुश्किल पेश आई, अगर मुझे पता ना होता टोनी ने ये तीनों सूट इसी जगह पर बेचे तो मैं कभी कलेक्ट ना कर पाता। ओके इनमें से आप लोगों को कौन सा सूट सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, और गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर, बाय बाय।